स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप आईपी कैमरे का काम करते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह का, तो आज आपको मैं बताने वाला हूं आप एक ही कैट 6 या कैट 5 वायर पे दो आईपी पीओई कैमरे कैसे चला सकते हैं बिना अलग से कोई पावर सप्लाई लगाए या बिना अलग से कोई इंस्ट्रूमेंट लगाए या कन्वर्टर लगाए आप आसानी से चला सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको एक सीपी प्लस का पीओई चाहिए जो कि मेरे पास है, ये देख सकते हैं। ये सीपी प्लस का पीओई मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसकी जगह सिक्योर आई या यूनिटेक और भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं उनके पीओई यूज करके देखे जो कि सपोर्ट नहीं करते, वो एक वायर पे एक ही कैमरा चलाते हैं। सीपी प्लस का एकमात्र पीओई ऐसा है जिससे कि आप एक वायर पे दो कैमरे चला सकते हो। ये आपको चार पेयर में भी पूरी उतनी ही पावर देता है जितनी है कि नॉर्मल पीओई आपको आठ पेयर में देते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैं अभी एक साइट पे ही हूँ, यहाँ पे मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा और मैं मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि आप एक कैसे एक ही वायर पे दो आईपी कैमरे चला सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अपनी डीवीआर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो भाई मैंने अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दो कैमरा चल रहे हैं, दोनों की अलग अलग लोकेशन है और ये मैंने इंस्टॉल किया है यहाँ पे सीपी प्लस का एनवीआर जो की है 8 चैनल का, आप देख सकते हैं। और ये मैं यूज कर रहा हूँ सीपी प्लस का पीओई जो कि 8 चैनल का है, जिसकी मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं वायर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं किस तरह यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए। ये मेरी एक वायर है और एक ही वायर से मेरे दोनों कैमरे चल रहे हैं। मैं आपको वायर दिखा देता हूँ, दोनों हमारी ब्लिंक कर रही हैं बिल्कुल आसानी से। मैं इनको निकाल के दिखा देता हूँ, ये देखिए हमारे दोनों के दोनों कनेक्टर लगे हुए हैं और एक ही वायर है, चार पेयर इधर लगे हुए हैं और चार पेयर इधर लगे हुए हैं। इसी से हमारे दोनों के दोनों कैमरा चल रहे हैं, आसानी से चल रहे हैं। मैं ये दिखा देता हूँ आपको एक बार, ये देखिए चार इधर हैं और चार इधर है, एक ही वायर है। अब मैं आप लोगों को कैमरे दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पे कैमरे लगाए हुए हैं, ये देखिए हमारी दोनों की दोनों वायर ब्लिंक कर रही हैं। और अब मैं आपको कैमरे दिखाता हूँ, कैमरे की तरफ से भी दिखाता हूँ हमने सिंगल वायर लगाई हुई है या क्या किया हुआ है। तो भैया आप देख सकते हैं अभी ये मेरा कैमरा इंस्टॉल हो रखा है और यहाँ पे भी मेरी सिर्फ एक पीओई में तार गई है चार वाली, अलग से मैंने कोई भी सप्लाई कैमरे को नहीं दे रखी है। और ये देख सकते हैं आप मेरा जो कैमरा है उसकी लाइट भी यहाँ पे अच्छे से ब्लिंक कर रही है और पावर भी इन चार तारों में ही मिल रही है और सब कुछ इन चार तारों से ही है, अलग से हमने इसमें कोई सप्लाई नहीं दे रखी, कोई कुछ नहीं दे रखा है इसमें। और हमारा कैमरा बिल्कुल रेडी है और काम कर रहा है अच्छे से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और भैया आप देख सकते हैं मेरा दूसरा कैमरा ये रहा यहाँ पे इंस्टॉल हो रखा है और इसकी जो डीसी वाली तार है वो आप देख सकते हैं ये रही, इसमें मैंने अलग से कोई पावर नहीं दे रखी, सिर्फ हमारी ये जो पीओई की तार है ये रही। इसको भी मैं आप लोगों को खोल कर दिखा देता हूँ। तो भाई मैंने अभी वायर हटा दी है, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेरी चार वायर कटी हुई है, ये देखो एक ये है मेरी और चार वायर मैंने यहाँ पे लगा रखी है आप देख सकते हैं। और मेरा कैमरा यहाँ पे ब्लिंक भी कर रहा है और अच्छे से चल भी रहा है, ये कैमरे का व्यू भी यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया मिल रहा है और ये रात को नाइट विजन भी अच्छे से दिखाएगा कैमरा, जो मैंने इससे पहले कैमरा लगाया वो भी मैंने। और ये ऐसा नहीं है कि कैमरा पास पास है, दोनों कैमरों की का जो डिस्टेंस है लगभग, ये वाला जो कैमरा आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे ये NVR और जो POI स्विच लगा हुआ है उससे लगभग 50 मीटर या 60 मीटर की दूरी पे है और जो मेरा दूसरा कैमरा है वो लगभग 30 मीटर की दूरी पे है, आप देख सकते हैं दोनों के दोनों। और कुछ ये व्यू आप नोट कर लीजिए, कुछ इस तरह का व्यू ये वाला कैमरा दिखा रहा है। मैं आपको स्क्रीन पर जाके भी ये वाला व्यू आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये जो गाड़ी और बाइक वगैरह खड़ी है ये वाला कैमरा व्यू दे रहा है। और मैं अब आपको स्क्रीन पे भी ले जाके दिखा देता हूँ कि सेम व्यू है कैमरे का या नहीं। तो भैया स्क्रीन है और आप देख सकते हैं, मैं इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये व्यू जो मैंने आप लोगों को वहाँ से दिखाया था वो आप व्यू देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा सेम व्यू है, गाड़ियाँ जो इसमें खड़ी है और बाइक आपको खड़ी हुई दिख रही है सेम मैंने अभी आपको कैमरे में दिखा दी थी वहाँ पर। तो हमारा कैमरा कनेक्ट होने में ना ही तो कोई दिक्कत आ रही है और नाइट विजन में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको अगर एक ही तार पे दो कैमरे चलाने हैं तो उसके लिए आपको सीपी प्लस का पीओई चाहिएगा। नॉर्मल पीओई आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे पास ये है पीओई, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कुछ मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ इस साइड पे है, ये देख लो इसका मॉडल नंबर वगैरह भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो
मेरे पास पीओई है, आठ चैनल का पीओई है, नॉर्मल प्राइस है इसका। और इसी एक पीओई से हमारे एक तार पे दो कैमरे चल रहे हैं। अगर आप इसकी जगह सिक्योर आई का या किसी और कंपनी का पीओई चलाएंगे तो सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सीपी प्लस का पीओई चलाते हैं तो आप आसानी से एक तार पे दो कैमरे चला सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आपको ज़्यादा तार डालने की जरूरत नहीं, एक ही तार पे जिस तरह हम नॉर्मल 3+1 वायर पे दो कैमरे चला लेते थे उसी तरह हमारा इस वायर पे भी चल सकता है। तो आई होप दोस्तों ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको सीसीटीवी से रिलेटेड कोई क्वेरी है या आपको कोई दिक्कत आ रही है आपके घर में जो सीसीटीवी लगे हुए हैं या आप सीसीटीवी कैमरे का काम करते हैं और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप मुझे वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। संडे को मैं लाइव आता हूं और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं संडे को लाइव आके सॉल्व कर दूंगा। या आप लोग कन्फ्यूज हैं कि आपको कौन सा सीसीटीवी बाय करना चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी बेस्ट प्रोडक्ट की वो मैं आपको सजेशन दे दूंगा। तो आई होप दोस्तों अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि आप एक कैट 5 या कैट 6 तार पे दो आईपी कैमरे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे आसानी से चला सकते हैं। आपकी वायर की भी बचत होगी और आपको ज्यादा मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।